तो बच्चों ये रही वो चॉकलेट जिसे सुमन जो है वो रानी के लिए लाई है। और क्योंकि अब नई नई दोस्ती हुई है रानी और सुमन के बीच, तो दोनों ने ये फैसला किया है कि वो इस चॉकलेट को दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे, यानी कि टू इक्वल पार्ट्स करेंगे इस चॉकलेट के। ये हमारे पास एक पूरी चॉकलेट है और अब जो रानी है वो चाह रही है कि क्योंकि अब सुमन उसकी दोस्त बन गई है, तो वो हर काम मिलजुल के करेंगे, तो वो इस चॉकलेट को भी मिलजुल के खाना चाहते हैं। और मिलजुल के खाना मतलब इसके दो बराबर हिस्से करना, यानी कि टू इक्वल पार्ट्स करना। और जब हम किसी चीज के दो बराबर बराबर हिस्से करते हैं तो वो हाफ हाफ में हो जाता है, मतलब जो दोनों हिस्से होते हैं वो हाफ हाफ हो जाए होते हैं, यानी कि एक हिस्सा आधा और दूसरा हिस्सा भी आधा, यानी कि हाफ हाफ। तो अब ये तो है हमारे पास पूरी चॉकलेट, ठीक है, ये हमारे पास पूरी चॉकलेट है। और अब हम इसे जो हमें क्या करना है, अभी इसे रानी और सुमन के लिए आधा आधा बांटना है, आधा आधा यानी टू इक्वल पार्ट्स में बांटना, यानी कि दो बराबर हिस्से। अब हम ऐसा कैसे करें? तो रानी ने जो है कहा कि हम एक काम करते हैं, ये हमारी चॉकलेट है ना, तो हम इसे ऐसे यहां से पकड़ते हैं और हम इसे यहां से हम आधा करने की कोशिश करते हैं, मतलब ऐसे थोड़ा कि बीच में से, ये जो लंबी चॉकलेट है हमारे पास, तो इसके बीच में से, बीचों बीच में से हम एक लाइन खींचेंगे और मतलब बीच वाली लाइन से हम चॉकलेट को आधा आधा कर लेंगे। तो ये तो भाई तरीका है रानी का कि हम यहाँ से जो है हम चॉकलेट को आधा आधा कर लेंगे। लेकिन सुमन ने कहा कि नहीं, अगर हमारे पास ये चॉकलेट है, अगर ये हमारे पास एक चॉकलेट है, तो हम इसे, इसके अलावा एक और तरीका भी है आधा करने का। तो आप सोच सकते हैं बच्चों कि ऐसे आधा करने के अलावा और क्या तरीका हो सकता है चॉकलेट को आधा करने का? सोचिए सोचिए। हमने लंबाई से चॉकलेट को आधा आधे हिस्सों में बांट दिया इस लंबाई से, तो ये भी आधी चॉकलेट है और ये भी आधी चॉकलेट है। तो ये जो हिस्सा है वो रानी का है और ये जो हिस्सा है वो सुमन का है। तो सुमन ने कहा हाँ, तुमने बिल्कुल सही तरीके से आधी आधी चॉकलेट, पूरी चॉकलेट को, यानी कि पूरी चॉकलेट कैसी थी, पूरी चॉकलेट ऐसी थी, पूरी चॉकलेट ऐसी थी। और उसने कहा कि तुमने बहुत अच्छे से पूरी चॉकलेट को दो बराबर बराबर हिस्सों में जो है बांटा है। लेकिन सुमन ने कहा, सुमन के दिमाग में कोई और तरीका भी था बांटने का। तो अभी चलिए हम देखते हैं कि सुमन का तरीका क्या था। तो ये हिस्सा है रानी का और ये हिस्सा है सुमन का और दोनों बराबर है। कैसे पता चलेगा? जब हम इसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख कर देखेंगे तो यह जो है बिल्कुल बराबर आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों चॉकलेट हैं वो जो दो हिस्सों में हमने एक पूरी चॉकलेट को बांटा है वो हिस्से बिल्कुल बराबर हैं। ये एक पूरी चॉकलेट है और हमने इसे दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटा है, यानी कि हाफ हाफ, यानी कि ये हिस्सा भी हाफ है और ये हिस्सा भी हाफ है, बराबर आधा आधा, ठीक है। अब हम जो है, ये तो हुआ रानी का तरीका। अब हम एक और तरीका देखते हैं जो कि सुमन ने सोचा। अब ये है एक और चॉकलेट। अब सुमन का तरीका जानने की कोशिश करते हैं कि उसने कैसे, मतलब कहा कि हम इस चॉकलेट को आधे आधे तरीकों, आधे आधी कैसे बांट सकते हैं ऐसे बांटने के अलावा। तो अब हम इसे करके देख लेते हैं। तो उसने कहा कि हम उसे यहाँ के बीच से जो है, यहाँ के बीच वाली लाइन से काटेंगे। उसने, रानी ने क्या किया था कि यहां से चॉकलेट को आधा किया था। अब सुमन कह रही है कि चॉकलेट को यहां से आधा करते हैं, तो क्या ये भी आधा हो पाएगा? तो चलिए करके देख लेते हैं। तो उसने बोला है कि अब यहां से आधा कर लेते हैं। तो ये जो है, ये जो बीच वाली लाइन है, इससे उसने कहा है कि हम चॉकलेट तोड़ेंगे और जब हम यहां से चॉकलेट तोड़ेंगे तो वो आधी होगी। अब देख लेते हैं कि वो आधी होगी या नहीं। तो देखिए, अब हमने चॉकलेट को दो हिस्सों में बांट दिया है और ये दोनों दो हिस्सों में बट गई है चॉकलेट। अब हमें ये देखना है कि ये हिस्से
हाफ हाफ है या नहीं, यानी कि दो बराबर हिस्से, यानी कि आधे आधे है या नहीं, दोनों बराबर है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक को एक के ऊपर रखकर देखेंगे ऐसे। जो हम इसे एक के ऊपर को एक के ऊपर एक रखकर देखेंगे तो देखिए बिल्कुल बराबर बराबर है। जब हम इसे उठाएंगे तो ये बिल्कुल हर हर जगह से इसके जो वो है वो बराबर है, तो ये बराबर बराबर चॉकलेट जो है वो बट गई है। ठीक है, तो ये हिस्सा रानी का है और ये हिस्सा सुमन का है। तो ये देखिए सुमन का तरीका था ऐसे चॉकलेट को बांटने का, आधा 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 चॉकलेट को बांटा, और जब हमने आधे आधे हिस्से को मिलाया तो हमारे पास पूरी चॉकलेट आ गई। और रानी का तरीका था ये, रानी ने चॉकलेट को आधा आधा किया था और जब हमने उसको मिलाया तो हमारे पास पूरी चॉकलेट आ गई। तो बच्चों आप ही बताइए, क्या इसके अलावा आपको कोई और तरीका समझ में आता है कि जिससे कि हम चॉकलेट को आधा आधा बांट सकते हैं? हमारे पास ये पूरी चॉकलेट है, आपको इसको आधा आधा बांटना है, कोई और तरीका बता सकते हैं आप? चलिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। तो आप बताइए कि अगर हम चॉकलेट को ऐसे आधा करेंगे, यहाँ ये वाली लाइन से हम अगर चॉकलेट को आधा करना चाहेंगे, तो क्या हमारे पास दो इक्वल, ये दोनों जो हिस्से होंगे क्या वो इक्वल होंगे, क्या वो बराबर होंगे, क्या वो आधे आधे होंगे? तो ये आप सोच के बताइए, सोचिए सोचिए। ये जो चॉकलेट है इसको अगर हम ऐसे, यानी कि इसको हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, यहां से काटेंगे, तो आधी आधी होगी क्या, करके देख लेते हैं। तो ये इसका जवाब पहले आप दीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से अपने जो जवाब है वो नीचे जो है लिख के दीजिए मुझे, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे।